HTIS के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है भारत इटली के मध्य समुद्री अभ्यास। भारतीय नौसेना ने इस सप्ताह इतालवी नौसेना के साथ एक समुद्री सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना और समुद्री खतरों के विरुद्ध संयुक्त अभियानों को मजबूत करने की दिशा में पारस्परिक रूप से कार्य करना था। यह अभ्यास 4 से 5 जुलाई को भारतीय नौसेना के जहाज INS तबर और इतालवी नौसेना के एक फ्रंटलाइन युद्धपोत फ्रीगेट ITS एंटोनियो मार्सेग्लिया के मध्य टायरानियन सागर में आयोजित किया गया था। भूमध्य सागर में चल रही तैनाती के हिस्से के रूप में INS तबर ने 3 जुलाई को इटली के नेपल्स बंदरगाह में प्रवेश किया था। गौरतलब है कि INS तबर एक तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है जिसका निर्माण रूस में किया गया है। यह पोत हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी रेंज से लैस है और भारतीय नौसेना के शुरुआती स्टील्थ फ्रिगेट्स में से एक है। यह भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है।